चलिए, वगैरह हाँ, होगा। फंक्शंस के या कुछ क्वेश्चंस के साथ हम आगे बढ़ेंगे। कल कुछ कहा था प्राइम नंबर वगैरह बनाओ, फिबोनाची की सीरीज तो हमने शायद यहीं बना लिया था। अब आप जो कह रहे हो परफेक्ट नंबर फाइंड आउट करना विद द हेल्प ऑफ अ फंक्शन, ठीक है, देखते हैं परफेक्ट नंबर। ठीक है, परफेक्ट नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका सम एंड मल्टीप्लिकेशन सेम होता है ना, जैसे कि नंबर वन इक्वल टू थ्री, नंबर की इक्वल, इसी नंबर की इक्वल नहीं है। नहीं जैसे सिक्स वाले एंटर किया, सिक्स का जो मल्टीपल होगा और उसका मल्टीपल जो सम होगा वो उस नंबर के बराबर होगा, सिक्स के बराबर होगा। अच्छा, जैसे आपने सिक्स सिक्स लिखा है, सिक्स का तो मल्टीपल हो गया 3 2 1, मतलब टू आता है टेबल में, थ्री आता है, ठीक है, टू वन थ्री से जाए मल्टीप्लाई सिक्स, करेंगे सिक्स तो हो थ्री भी जाएगा आएगा, यानी कि और इक्वल हो वन भी है जाएगा, इसका मल्टीपल, तो इन सबको ऐड करो तो इक्वल टू क्या हो जाए, सिक्स हो सिक्स जाएगा। हो जाए। ठीक है, और कोई नंबर परफेक्ट नंबर का इसके बाद एग्जांपल? आप बोलो नहीं लेकिन परफेक्ट मैच, सही से कहते हैं हम। अभी क्या सोचे, वन टू वन है तो जैसे वन टू थ्री है तो वन टू थ्री को मल्टीप्लाई करो या सम करो, आंसर क्या आएगा? सिक्स आएगा। हाँ ठीक है, तो इस केस में आपको लॉजिक क्या लगाना होगा? प्राइम नंबर वाला लॉजिक लगाइए, या ऐसा करिए जो ये बता रहे हैं ना, सिक्स को आप किसे किसे डिवाइड करो, वन टू थ्री फोर फाइव, सिक्स तो लेंगे नहीं हम, क्योंकि सिक्स प्लस वन करोगे अगर आप तो क्या होगा, सिक्स टाइम हो सेवन जाएगा हो जाएगा ना, ये लेकिन सिक्स वन जो सिक्स तो हो जाएगा, लेकिन सिक्स और वन सेवन भी तो हो जाएगा, तो ये नहीं लेंगे, मतलब आप फाइव तक ही जाएंगे। तो आप इस सिक्स को इन नंबर से डिवाइड करके देखो, जो नंबर डिवाइड कर दे, याद करो प्राइम नंबर केस में क्या करते थे, जो नंबर डिवाइड करता था आप वहीं पे ब्रेक कर देते थे। आप ब्रेक मत करो, जो भी नंबर इस सिक्स को डिवाइड कर दे यहाँ पर, उसको किसी मल्टीपल नाम के, मल्टीपल्स मतलब सिक्स के मल्टीपल्स, मल्टीपल्स एक एम्प्टी लिस्ट ले लो, और यहाँ जो भी नंबर जैसे टू ने डिवाइड किया, थ्री ने डिवाइड किया, वन ने डिवाइड किया, तो वन टू थ्री को बारी बारी से अपेंड कर दो मल्टीपल्स में, तो इस लिस्ट में आपको वन टू और थ्री मिल जाएगा। अब फाइनली जब लूप खत्म हो जाए तब एक बार मल्टीपल्स पे लूप चलाओ और इनको वन टू थ्री को एक बार मल्टीप्लाई करके देखो, और वन प्लस टू प्लस थ्री को प्लस करके देखो, अगर ये सिक्स ही आ रहा है तो क्या कहोगे, परफेक्ट नंबर है, यही लॉजिक यहाँ लगाना होगा। ठीक है, समझ में आया क्या करना है हमें यहाँ पर? अरिजीत, अभी नहीं समझ में आया, आप प्रोग्राम के थ्रू करेंगे। फिफ्टीन केस में हम मल्टीपल्स निकालेंगे ना पूरा, वन से लेके 14 तक में कौन कौन से मल्टीपल्स हैं 15 के, वन थ्री फाइव। हाँ अरे, हम हर नंबर से डिवाइड करके देखेंगे ना, जो नंबर कंप्लीटली डिवाइड कर देगा इसका मतलब उसकी टेबल में वो नंबर आता है, वही तो हमें चाहिए। फिर उनको मल्टीप्लाई और उनको प्लस करके चेक करेंगे क्या दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है, जैसे 15 आना चाहिए, तो 15 केस में नहीं आ रहा ना, तो 15 को प्राइम वो परफेक्ट नंबर नहीं कहेंगे। जो आप लॉजिक बताए परफेक्ट नंबर यही होते हैं ना, एक बार सर्च कर लो गूगल वैसे तो पे यही देख लो, होगा, ठीक है, परफेक्ट मैं देखा था और नंबर्स। नाम देख लिया था। ये क्या क्या खुल गया, परफेक्ट नंबर, ये देखो देखो इधर इधर देखो, हाँ, बात कम करो, इधर देखो, लिख लो एग्जांपल में, लिखो ये वाला, ठीक है, सिक्स है परफेक्ट नंबर, वन प्लस टू प्लस थ्री 28 है परफेक्ट नंबर, ठीक है, वन टू थ्री फोर, हाँ कहाँ, फाइव, फाइव की टेबल में कहाँ 28 आता है, 496, सर वो ऐड किया है प्रो करके 7 वन थ्री पावर फाइव, फाइव पावर थ्री, सेवन पावर क्यूब, सर ये परफेक्ट हुआ नंबर में विकिपीडिया। सर ऐड किया उसने ना पहले 28 को ऐड किया तो 1 2 3 4 5 6 7 तक में 28 हो जाएगा, उसका उसका पावर ले ली क्यूब ले सर ली ये सॉरी 28 कहाँ से हो जाएगा ले परफेक्ट नंबर से? तो वही मल्टीप्लाई तो से सर, एक और सेकंड, नॉर्मलाइज करने का ऐसे मतलब नहीं क्या होता है क्या परफेक्ट नंबर? सर? ये नंबर्स नहीं है ना, परफेक्ट सिक्स इज अ परफेक्ट नंबर, वन टू थ्री। अरे पहले डिफिनेशन देखो भाई क्या होता है, ये लो विकिपीडिया पे जाओ, ये होते हैं परफेक्ट नंबर, क्या होते हैं, अ परफेक्ट नंबर इज अ पॉजिटिव इंटीजर दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स पॉजिटिव डिवाइजर्स।
इंक्लूडिंग द नंबर इट्सेल्फ, खुद नंबर भी इंक्लूड करना है. फॉर इंस्टेंस, सिक्स हैज डिवाइजर्स 1, 2 एंड 3, एंड 1 + 2 + 3 इक्वल्स टू 6, सो 6 इज अ परफेक्ट नंबर. द सम ऑफ डिवाइजर्स ऑफ अ नंबर एक्सक्लूडिंग द नंबर इट्सेल्फ इज कॉल्ड इट्स एलिकट सम. सो अ परफेक्ट नंबर इज 1 दैट इज इक्वल टू इट्स एलिकट. उन्होंने जो बताया कि ऐड सारे को करें और मल्टीप्लाई भी सारे से करें, यू एंड लेफ्ट परफेक्ट नंबर इज जो हम डिवाइड करेंगे ना उनके ही ऐड होगा. 4, 7, 14, 28 एक दो दो से चार से सात से चौदह से 28 से फिर 28 इक्वल्स टू 56, 56 इक्वल्स टू 2 × 28 कर सकते हैं. तो अच्छा सर ये है कि वो जिस जिस से डिवाइड हो रहा है ना उस सब को सम कर रहे हैं. हाँ जैसे कि 6 है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, फिर 3 से डिवाइड हो रहा है और फिर 6 से भी डिवाइड हो रहा है, 6 से 12, 12, तो तीनों से डिवाइड करके जो फिर हमें उसे ना पूरा हमें उस नंबर तक जाना होगा 28 तक. जैसे उस 28 के केस में 1 से डिवाइड होगा, 2, 4, 7, 14 और 28 से डिवाइड होगा, और नंबर जो आ रहा है 56, इस 56 को आप जब 2 से डिवाइड करोगे ना तब बन बन जाएगा फिर से 28. 6 के केस में भी आपको जो नंबर्स मिलेंगे वो सिर्फ 1, 2, 3 नहीं है, 1, 2, 3 और 6 खुद. तो 1, 2, 3 कितना हुआ, 6, 6 + 6 कितना हुआ, 12, 12/2 कितना हुआ, 6, वापस 6 मिला ना, तो 6 इज ऑल्सो परफेक्ट नंबर. जैसे यही यहाँ पर कह रहे हैं, ये देखो, सो अ परफेक्ट नंबर इज वन दैट इज इक्वल टू इट्स एलिकट सम. एलिकट सम क्या होता है, द सम ऑफ डिवाइजर्स ऑफ अ नंबर्स एक्सक्लूडिंग द नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड द एलिकट सम. या तो आप उस नंबर को छोड़ के वहां तक ले लो सम पूरा, या आप उसको अगर ले रहे हो तो यू कैन डिवाइड इट. भाई यहाँ करना है, इट इज ऑफ हिस्ट्री सिविक्स कहाँ चला जाता है ये. कोई बात नहीं, 6 और 28 के केस में इसने कुछ फॉर्मूला के थ्रू किया है, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 4, 5, 6, 7, 1 + 2 + 3 + 6, इस पे नहीं जाओ भाई, और नंबर बस सही है, लिख लीजिए इन परफेक्ट नंबर्स को, 6, 28, 496, 8128, ठीक है. इन इन एग्जांपल्स पे हम करेंगे. परफेक्ट नंबर पॉजिटिव दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स प्रॉपर डिवाइजर्स, द स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर इज 6 व्हिच इज द सम ऑफ 1 2 एंड 3. अदर परफेक्ट नंबर्स आर 28. मल्टीप्लिकेशन वाला चीज नहीं हो रहा है आपको, डिवाइड टू करना है 6 को, डिवाइड करना है 1 2 3 मल्टीप्लाई करके नहीं करते, सिर्फ सम करते. अदर परफेक्ट नंबर्स आर 28 496 196 मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिर्फ ऐड करना है आपको, सिर्फ ऐड करना है. सिक्स के केस में छोटा है ना, क्योंकि वो कोइंसिडेंटली हो गया. 28 के केस में आप देखो, 28 के केस में क्या क्या आएगा, 1, 2, 3, 3 में भी आएगा, नहीं 3 में नहीं आएगा, 4 में आएगा, 4, 7 = 28, फिर 7 में भी आएगा, आप 7 के बाद आएगा 14 में भी, 14, 2 = 28 है ना. अब आप 14, 2 जा कर दो मल्टीप्लाई, 28 तो ऐसे ही हो गया, अभी बचा है यहाँ पर 7. मल्टीप्लाई 2 × 28, ठीक है, और उसको डिवाइड कर दो अगर इसी नंबर से वापस से वही आ जाए तो. नहीं ऐसे नहीं, सिर्फ सम, जैसे हमें करना है 28 का सर 14 × 2 कर लेंगे, अभी 14 से 7, 7 भी उसमें मिल रहा है, 2 भी मिल गया, 14 2 जा 28, 28 और फिर 14 को करेंगे 7 से डिवाइड, हमको 7 भी मिल रहा है उस नंबर में, ऐड करेंगे जो तीन चीज मिलेगा. अरे वो सही है, परफेक्ट नंबर समझ में आ गया है. चलो इधर आप प्रोग्राम बनाओ, वही लॉजिक लगाना है. अब मल्टीप्लाई नहीं, अब हम पहले पहले वही करेंगे, कोई भी नंबर आप दोगे उसको हम डिवाइड करके देखेंगे किससे किससे डिवाइड हो रहा है, ठीक है, प्राइम नंबर जैसे लॉजिक लगाते हैं जो वही लगाना है यहाँ पर. तो सबसे पहले ना हम फॉर लूप लगाते हैं सीधे विदाउट फंक्शन, फिर फंक्शन के अंदर हम उसे इम्प्लीमेंट करते हैं.
ठीक है, तो सबसे पहले आप यूजर से एक नंबर लो, ठीक है, एंड नम इक्वल्स टू लेट से 6, हमने पहले से ही वैल्यू दे दिया, ठीक है। इस नंबर को चेक करना है क्या ये परफेक्ट नंबर है या नहीं, तो क्या करेंगे, फॉर आई इन रेंज, और रेंज कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से, 0 से नहीं, 1 से लेके कहाँ तक जाना है आपको, 6 तक लेट से हम मानते हैं, ठीक है। तो ये हमें 5 तक चेक करना है डिवाइड करके। अब करना क्या है, कंडीशन लगाओ, इफ दिस नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई एनी ऑफ द आई, यानी रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो हमें क्या करना है, मल्टीपल्स डॉट अपेंड करना है, क्या अपेंड करना है, आई को जिस भी नंबर ने डिवाइड किया, और मल्टीपल्स है क्या, एक एम्प्टी लिस्ट, ठीक है। हमें यहाँ पर वो नंबर्स मिल जाएंगे जिसने भी 6 को डिवाइड किया कंप्लीटली। लूप खत्म होगा, प्रिंट करके एक बार अब देखते हैं क्या हमें मल्टीपल्स मिल गए हैं। मल्टीपल्स मल्टी मल्टी 1 2 3, यही है ना मल्टीपल्स। अब क्या करो, आप इन मल्टीपल्स का ही सम ले लो, ये देखो सम ऑफ मल्टीपल्स 6 आया ना, 6 इज इक्वल टू 6 इज अ परफेक्ट नंबर। 28 जरा देखे, देखो 1 2 4, हाँ 6 है ना यहाँ पर, यहाँ पर हमें क्या लिखना चाहिए, हाँ नाम लिख दो ना सीधे, 6 के तक जा रहा है इसलिए नाम, बस खत्म, 27 तक चेक करेंगे, 1 कॉमा नाम, 1 2 4 7 14 मिल गया ना। अब आप क्या करो, सम ऑफ मल्टीपल्स, मल्टीप्लाई, अरे यार ये शायद कल वाला प्रोग्राम कंटिन्यू हो रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, जो हमने कल सम वाला फंक्शन लिखा था याद है, ओवरराइड ओवरराइड किया था ना हमने सम को। हाँ डेल सम, ठीक, देखा डेल का यूज करता हूँ, उस फंक्शन को ही हमने डिलीट कर दिया। हाँ डेल डिलीट कर दिया हमने इस इन फंक्शन जो हमने डिफाइन किया, अब यूज हो रहा 28, देखो 28 इक्वल्स 28 ना, परफेक्ट नंबर। और क्या था, और क्या था एग्जांपल, 496, 496, 496, सॉरी 496, उसके लिए फैक्टोरियल्स क्या क्या मिला है? देखो पहले ये हैं वो नंबर, ठीक है, अब इन नंबर्स का जरा सम लो, कोई और रैंडम नंबर लो, देखो 490 लेट से, ठीक है 490 क्या क्या फैक्टोरियल मिला ये देखते, ये मिला और देखते हैं इसका सम क्या आ रहा है, 536, गलत हो गया ना, दिस इज नॉट अ परफेक्ट नंबर। तो ऐसे इसी लॉजिक को लगाएंगे, अब बस इसी चीज को ना हम क्या करेंगे, फंक्शन के अंदर लिखेंगे, समझ में आया सॉल्यूशन। अब इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, लेट्स राइट अ फंक्शन कॉल्ड डेफ परफेक्ट अंडरस्कोर नम, परफेक्ट नम, ठीक है, या मुझे अंडरस्कोर ज्यादा ऐसे पसंद है, परफेक्ट नम, ठीक है। इसको क्या चाहिए इनपुट में, एक नंबर, तो हम नम लिख सकते हैं, फिर इसके अंदर अब आप लूप चला लो, और इस लूप से भी पहले आप क्या करो, एक एम्प्टी लिस्ट मल्टीपल्स, एक एम्प्टी लिस्ट आपने बना लिया, इधर समझ में आ रहे हैं आपको विजय, हमने एक एम्प्टी लिस्ट लिया, ठीक है। अब लूप चलाना है, वही जो हमने ऊपर लिखा है ना फॉर आई इन रेंज, वही चीज अब इसके अंदर लिखना, फॉर आई इन रेंज 1 कॉमा, सर म्यूट म्यूट आ गए हो, इफ नम मॉडलो आई इक्वल्स टू जीरो, एंड देन अगर ये आई ने इस नंबर को डिवाइड कर दिया, देन हमें क्या करना है, मल्टीपल्स यानी इस एम्प्टी लिस्ट में इस आई को स्टोर करना है, अभी हमें अपेंड आई, ठीक। इफ लूप खत्म होगा, इफ कंडीशंस मतलब सारे आइटरेशंस फॉर लूप के खत्म हो गए, सारे आई चेक हो चुके होंगे, फाइनली हमें मल्टीपल्स में मिल गया डेटा। अब आपको क्या करना है, आप इस लूप से बाहर आओ, बाहर आ गए, ठीक है, ये देखो ये अगर मैं यहाँ से कुछ चीजें लिखता तो ये लूप के अंदर ही होता, अभी भी बाहर आ गया मैं, मल्टीपल्स में मुझे डेटा मिल गया ना। अब कंडीशन क्या लगाना है, इफ सम ऑफ मल्टीपल्स, अब देखो इनबिल्ट फंक्शन सम हम यूज कर ले रहे हैं, ठीक है, अदरवाइज हम खुद का फंक्शन लिख सकते हैं, कैसे हम इस मल्टीपल्स के सारे एलिमेंट को ऐड करें, एडिशन वाला हमने प्रोग्राम ऑलरेडी किया है, या अब आप समझ चुके हो, इसलिए हम डायरेक्टली इनबिल्ट फंक्शन सम यूज कर रहे हैं, ठीक है।
इफ सम ऑफ मल्टीपल्स इक्वल्स टू व्हाट द गिवन नंबर, यूजर ने जो नंबर दिया है अगर ये है तो प्रिंट करो या रिटर्न, ठीक है बोथ आर फाइन, रिटर्न रिटर्न द नंबर इज अ परफेक्ट नंबर, ठीक है रिटर्न द नंबर ऐसे बस परफेक्ट नंबर, नहीं तो अगर ये कंडीशन नहीं है तो क्या रिटर्न करो नॉट परफेक्ट नंबर, ठीक ऐसे खत्म। अब क्या करना है, आपने फंक्शन लिख लिया, अभी रन कराएंगे तो आउटपुट हमें नहीं मिलेगा कुछ भी, ठीक है फंक्शन को हमें कॉल करना पड़ेगा और फंक्शन का नाम है परफेक्ट नम, और इस फंक्शन को इनपुट में हमें क्या देना है कोई नंबर, तो आप या तो इसके अंदर डायरेक्ट ऐसे लिख दो, ठीक है ऐसे, तो जब आप इस फंक्शन को कॉल करोगे आर्गुमेंट में आप इनपुट ले रहे हो यूजर से, वो इंटीजर फॉर्म में ऊपर जाएगा, अभी से रन करो ये देखो, हाँ 1 2 ओके एक ब्रैकेट का ये देखो हमने दिया 496 एंटर परफेक्ट नंबर, चल रहा है ना सर। यहाँ पे हम प्रिंट भी तो करा सकते थे ना रिटर्न, बिल्कुल बिल्कुल सर, एक एक क्या था 8128 कुछ था क्या सर, ये प्रोग्राम जो आपने कल बोला ना 8128 ये वाला परफेक्ट नंबर, ठीक है हाँ सर क्या कह रहे हैं। मैं ये बोला हूँ कि कल कुछ प्रोग्राम जुड़े गए थे सर, वो नहीं नहीं किया मैंने सर, करवा दीजिएगा। क्यों नहीं किया सर? ये वो असाइनमेंट है सर, वो आपको करना होगा, अदरवाइज क्लास ऐसे ही एक्सटेंड होता रहेगा। आसान है जब ये फंक्शन से हो जा रहा है तो सब कुछ नहीं सर, आप टाइम नहीं इन्वेस्ट करेंगे नहीं आएगा तो फिर उसके लिए कैसे मैं रिस्पॉन्सिबल हो सकता हूँ? हाँ जितना उसमें लिखना बस अरे शुरू में क्या पॉइंट बताया था, कहीं लिखा है आपने फंक्शन में लिखा है और बस एक ही चीज है और कुछ बताया था, एरर्स फाइंड करना आसान होता है, डिबग करना आसान होता है, यानी कि कहीं भी प्रॉब्लम आया है आप एक जगह फंक्शन में जाके सही कर दो सब जगह खत्म, मेमोरीज कम यूज हो रहे हैं क्योंकि ये जो मल्टीपल सल्टीपल आप यूज कर लियो, मल्टीपल में आपने कितना ही डेटा स्टोर किया था, कुछ स्टोर किया था 812 के लिए क्या क्या फैक्टोरियल मिला होगा यहाँ पर, बहुत सारे मिलेंगे, सब मल्टीपल में स्टोर हुआ था, मल्टीपल में स्टोर हुआ था ना, अगर मैं यहाँ मल्टीपल प्रिंट करूँ मिलेगा मुझको, अभी ऊपर डिफाइन किया था तो मिल जाएगा, ये मल्टीपल्स जो आ रहा है ना ये वाला आ रहा है जो हमने यहाँ किया था, ठीक है अभी देखो मैं इस पहले मल्टीपल को डिलीट कर दे रहा हूँ, डिलीट हो गया ये लिस्ट, अब इस प्रोग्राम को फिर से रन कर रहा हूँ और इसमें मैं 8128 दे रहा हूँ, ये लो इट इज अ परफेक्ट नंबर, और अब जरा मल्टीपल्स करके देखें कैन नॉट डिफाइंड, मेमोरी सेव नहीं हुआ, पॉइंट को याद रखो ना, मेमोरी एफिशिएंसी ज्यादा होता है, फास्ट होता है और एरर्स को फाइंड आउट करना आसान होता है, उसको टेक्निकल टर्म में कहते हैं डिबगिंग इज इजी व्हेन वी यूज फंक्शन, डिबगिंग मतलब एरर्स को फाइंड करना, ठीक है इसलिए हम फंक्शंस करते हैं। अब ये चीज आप सेपरेटली लिखते, देखो फंक्शन है क्या, लोग फंक्शन को पता नहीं क्या बना लेते, बस यही चीज आप बाहर लिख दो फंक्शन काम कर जाएगा, हाँ बस एक ही लाइन होता है, फंक्शन का एक नाम दो, क्या क्या वेरिएबल यूज करोगे फंक्शन के अंदर उसको लिख दो पैरामीटर में, और फिर उस फंक्शन को कॉल करो विद सम आर्ग्यूमेंट, सिंपल समझ रहे हो, प्राइम नंबर का यूज यहाँ हुआ है इसलिए आप प्राइम नंबर यहाँ नहीं बताएंगे, ठीक है कि फंक्शन लिखो प्राइम नंबर के लिए, आपको वो करना होगा प्राइम नंबर्स के थ्रू, हाँ व्हाइल से हो रहा है, बताओ कौन सा है, सेंस मल्टीपल्स इज डिफाइंड इनसाइड द फंक्शन वी कैन नॉट एक्सेस इट आउटसाइड द फंक्शन अंटिल वी डिक्लेयर इट एज अ ग्लोबल वेरिएबल्स, ठीक है ग्लोबल वेरिएबल कमेंट भी कर दिया, हम मल्टीपल को तब तक नहीं एक्सेस कर सकते जब तक हम उसे
ग्लोबल वेरिएबल ना निकलेगा। और हाँ बताओ क्या क्वेश्चन है आपका। डिजिट को सम करना है तो वाई से तो हो गया, कौन से नहीं होगा। डिजिट का सम निकालना है विदाउट कन्वर्टिंग इनटू स्ट्रिंग है ना। अब देखो चलो इसको भी देख लो विद्यार्थी को फंक्शन स्ट्रिंग से। स्ट्रिंग तो बहुत आसान है, देखो हो जाएगा मैं बता रहा हूँ। थोड़ा सा रन करा लो, रन करा लो, एक दो प्रोग्राम रन कराते रहो थोड़ा सा। सारा फंक्शन का लिस्ट मैं दे दे रहा हूँ आपको। प्राइम नंबर, एचसीएफ, एलसीएम, ये परफेक्ट नंबर हो गया, पैलिंड्रोम नंबर हो गया, एनाग्राम्स हो गया, और ये भी क्वेश्चन अच्छा है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर, लीप ईयर। लीप ईयर का क्या लॉजिक होता है? नंबर ईयर जो है फोर से डिवाइड हो जाए तो इट इज अ लीप ईयर। कोई भी ईयर अगर फोर से डिवाइड हो जाए तो लीप ईयर। तो इसका क्या है, नहीं कर पाओगे इसको? कर लेंगे मुझे लगता है लीप ईयर का सिर्फ डिवाइड बाय 4 एक कॉन्सेप्ट नहीं होता, पूरा एक फॉर्मूला होता है, 100 होता है कुछ, क्योंकि जब पूरा आप पूरा सेंचुरी कंप्लीट करते हो उस हिसाब से कुछ चेंज होता है। ये फॉर्मूला बेस्ड है, आप देखो इंटरनेट से फॉर्मूला निकालो उसका, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग अ लीप ईयर, उस फॉर्मूले को ही फंक्शन के अंदर लिख दो काम खत्म। चलो अभी लीप ईयर का भी कर लेते हैं, ठीक है, और भी एग्जांपल्स हो जाएंगे, ठीक है, हम लीप ईयर अभी करते हैं। अभी हमें क्या करना है, सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर, ठीक है। जैसे आपने कोई नंबर दिया 1 2 3 4, ये नंबर दिया तो आपको क्या देना है आउटपुट में, इन सारे डिजिट्स का सम, 4 3 2 1 क्या आएगा, 4 3 7 2 9 1 8 10, ठीक है, 10 आना चाहिए, हमें ये करना है, विजय समझ रहे हो। अब राधे कह रहे हैं कि वाई लूप से हो गया लेकिन फोर से नहीं हो पा रहा है, तो पहले हम एक बार वाई से भी कर लेते हैं और फिर फॉर से भी करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करो, फंक्शन डिफाइन करो, और फंक्शन का नाम क्या होगा, सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स, ये फंक्शन का नाम, ये लेगा एक नंबर आपसे, इतना समझ में आया, हमने एक फंक्शन लिखा और ये एक पैरामीटर हमने डिफाइन कर दिया नम, यानी फंक्शन कॉल करते हुए मुझे एक आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। अब क्या करना है बताओ, अगर हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं तो आसान होगा चीजों को निकालना, स्लाइस स्लाइस करके, इंडेक्सिंग करके, अगर नंबर है तब तो हम निकाल ही नहीं सकते इसमें से, इंडेक्सिंग तो कर ही नहीं सकते ना नंबर्स पे। तो नंबर्स के लिए एक लॉजिक बताया था आपको, क्या बताया था, एक एक नंबर कैसे निकालोगे आप, डिवाइड करो 10 से, रिमाइंडर लो, फिर डबल डिवाइड करो, स्टोर करते जाओ, ऐसा कुछ लॉजिक बताया था ना, क्या था, आप एक वेरिएबल लो और वेरिएबल से पहले आप यहाँ पर टोटल सम, टोटल अंडरस्कोर सम इक्वल्स टू 0 व्हाइल व्हाइल दिस नम इज ग्रेटर देन 0, 0 से जब तक ये बड़ा है तब तक क्या करना है, नम को कोई वेरिएबल ले लेते हैं, आर इक्वल्स टू रिमाइंडर निकालेंगे ना हम, इस नम को डिवाइड करेंगे किससे, 10 से, तो हमें रिमाइंडर मिलेगा, यानी अगर 1 2 3 4 को 10 से डिवाइड करूंगा तो आउटपुट में क्या मिलेगा, 4, और उस 4 को मैं किस में स्टोर कर रहा हूँ, आर में। और बताओ आर में हमारे पास आ गया डेटा, अब इस आर को किस में ऐड करना है, टोटल सम में, क्योंकि डिजिट्स का सम निकालना है ना, टोटल सम ऑलरेडी अभी क्या है 0, 0 में आर को ऐड कर दूंगा, यानी कि 4 अपेंड नहीं, ऐड करते जाना है, अपेंड नहीं, लिस्ट नहीं है ये, नंबर है, 0 में प्लस 4 कर देना है, तो 0 प्लस 4 4 किस में स्टोर करना है, टोटल सम में ही स्टोर करते जाना है, यानी कि आपको बस यहाँ पर क्या लिखना है, टोटल अंडरस्कोर सम प्लस इक्वल्स टू आर, ये समझ में आना चाहिए, एक प्रोग्राम इससे पहले करवाया हूँ, ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब नंबर को रिड्यूस भी करना है, तो हाँ नम डबल डिवाइड इक्वल्स टू 10, ठीक है, यानी 1 2 3 4 एक बार हो गया, उसमें 4 निकाल लिया, अब नम की वैल्यू 1 2 3 भी तो करनी है,
ताकि नेक्स्ट टाइम 1 2 3 को डिवाइड करूं 10 से तो 3 मिल जाए, है ना। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू होना है। नम डबल डिवाइड इक्वल्स टू 10 करूंगा तो ये नम में क्या स्टोर होगा 1 2 3, फिर ये लूप कंटिन्यू होगा क्योंकि अभी व्हाइल लूप के अंदर चल रहा चीज है। नम की वैल्यू अभी भी क्या है 1 2 3, व्हिच इज ग्रेटर देन 0, लूप फिर से कंटिन्यू होगा और 1 2 3 को ये 10 से डिवाइड करेगा तो 3 मिलेगा और r में स्टोर कर देगा 3, और टोटल सम में क्या चलेगा, टोटल सम में अभी क्या है 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा 7, तो ऐड होता जा रहा, देख रहे हो। तो ये लूप तब तक चलेगा जब तक नम की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो यहां से आपको फाइनली क्या करना है, बस रिटर्न करना है टोटल अंडरस्कोर सम। अब क्या करो, फंक्शन से बाहर आओ एंड सम ऑफ डिजिट्स फंक्शन को कॉल करो और नंबर इज लेट्स से 1 2 3 4 ही हम दे रहे हैं, ठीक है, और रन करो। 10 आया, सही आ रहा है, कोई भी नंबर दो उसका सम यही आएगा, 1 2 3 4 हो गया। अब आप सम ऑफ डिजिट्स और इसमें आप 3 4 5, तो 3 4 5 का सम कितना आना चाहिए, 5 4 9 3 12 आना चाहिए। ये देखो 12 आ रहा है। आप इसी तरीके से कह रहे हैं मल्टीपल्स निकालो अपनी नंबर डिजिट का, तो परफेक्ट नंबर ऐसे थे निकाला जा रहा है, परफेक्ट नंबर कैसे मल्टीपल हमें निकालने ना, यहाँ तो हम डिजिट्स निकाल रहे हैं 1 2 3 4। परफेक्ट नंबर केस में पता क्या होगा, 1 2 3 4 अलग मेथड से बिल्कुल आप कर सकते हो, लेकिन ये याद रखना है यहाँ पर डिजिट्स निकल रहे हैं, वहां पर मल्टीपल्स निकल रहे हैं। अभी अभी लिखा है ना परफेक्ट नंबर फंक्शन, देखो क्या नाम था फंक्शन का, परफेक्ट नाम, हाँ ये है परफेक्ट नाम। लो 3 4 5 दे देते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है इसमें, नॉट अ परफेक्ट नंबर। अब क्यों नहीं है उसके अंदर, इसके मल्टीपल्स तो हम देख ही नहीं पा रहे हैं, हम प्रिंट मल्टीपल्स कर दें तो मल्टीपल्स भी दे देगा। अरे तो आपको उतना प्रोग्राम तो अंदर लिखना ही पड़ेगा मल्टीपल्स निकालने के लिए, और फिर उन मल्टीपल्स को सम करोगे। अब यहाँ से ये जो लॉजिक चल रहा है ना, ये तो डिजिट्स निकाल रहा है मल्टीपल्स नहीं, समझ रहे हो। हाँ तो मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लस निकालना है तो इससे हो जाएगा इन, कहाँ सोच रहे हो क्या करते हैं आप बताओ, आप जो सोच रहे हो बताओ हम करें। एक प्रोग्राम को करने के 10 तरीके हो सकते हैं, अगर आपको लगता है कहीं ना कहीं लॉजिकल चल रहा होगा तो आप करके आना जरूर से, दिखाना बताना कैसे क्या हो रहा है। और इसमें बस एक चीज याद रखना, इसमें हम डिजिट निकाल रहे हैं इस वाइल से, अगर आप फैक्टोरियल निकालना ही चाहते हो ना तो कौन नंबर डिवाइड कर रहा है, तो पता है आपको अगर आप इस लॉजिक से चलोगे ना थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा। देखो उसी परफेक्ट नंबर वाले प्रोग्राम को, परफेक्ट नंबर अगर आप बनाना चाहते हो तो यहाँ पर नम ग्रेटर देन 0 और हमें यहाँ पर आप थोड़ा चेंज करना पड़ेगा परफेक्ट, जब तक नम की वैल्यू इससे बड़ी ना, ऐसा करो इसकी जगह यू नीड टू राइट
like this, while num is greater than 0, तो हमें while यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यूजर ने जो नंबर दिया है num, किस num को, if this num is modulo divisible by i, यहाँ पर आप इसको करो i और इसके अंदर आप क्या करो i equals to num. If this number is divisible by i equals to 0, then multiples dot append what, i को append करते जाओ और जब तक लूप चल रहा है i की वैल्यू को माइनस करते जाओ. ठीक. एंड देन आप यहाँ पर पहले मल्टीपल्स को रिटर्न तो करो, रिटर्न मल्टीपल्स. ठीक. आप जरा परफेक्ट को कॉल करते हैं और नंबर क्या था 6. यहाँ पर क्या है परफेक्ट 6. कहाँ पे कह रहे हो अच्छा नम मॉडलो आई परफेक्ट 6 आई माइनस 2 6, 1, 2, 3, 6 तक जा रहा है ये. हाँ 6 से 6 डिवाइड हो गया ना, ये हमें यहाँ पर ना माइनस 1 तो 3 टू 1 मिल गया. लॉजिक तो वही लगाया, वाइल से किया है हमने, लूप चेंज हुआ है और यहाँ पर हाँ अब इफ कंडीशन लगा के थोड़ा सा हम निकाल ही सकते हो. अब देखो ना हम ना अपेंड ना करें अगर तब क्या ऐसा और कुछ कर सकते हैं हम. देखो अपेंड ना करने के बजाय हम यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं. देखो मैं लिखा रहने दे रहा हूँ इसको. अब मैं एक और फंक्शन लिख रहा हूँ और यहाँ पर मल्टीपल्स की जगह ना हम यहाँ पर टोटल सम कर रहे हैं. टोटल सम इक्वल्स टू 0 और यहाँ अपेंड ना करने के बजाय जहाँ पर भी वो इक्वल्स टू 0 कर दिया वहां पर हम क्या कर सकते हैं टोटल सम. जिस भी आई ने डिवाइड कर दिया उसको मैं क्या करूं टोटल सम में ऐड करता जाऊं किसको इस आई को. ठीक. और आई की वैल्यू कम करता जाऊं और फिर यहां पर टोटल अंडरस्कोर सम को रिटर्न कर देता हूं. 6 दिया हूं टोटल सम में, अगर 6 मिल गया इसका मतलब कंपेयर भी कर सकता हूं आगे. ठीक है 6 और यहाँ 6 पे 28. ठीक है. तो मल्टीपल्स यहाँ नहीं मिल रहे हैं, दिख नहीं रहे आपको क्योंकि जो डिवाइड हो रहे थे वो ऐड होते चले जा रहे हैं. अब यहाँ पर आप कंडीशन रिटर्न करने के बजाय आप क्या करो फंक्शन के अंदर ही कंडीशन लगा लो इफ टोटल अंडरस्कोर सम इज इक्वल्स टू द यूजर गिवन नंबर नम देन प्रिंट परफेक्ट एल्स प्रिंट नॉट परफेक्ट. खत्म. लूप हमने बस चेंज किया, लॉजिक वही है व्हाइल लूप में, समझ रहे हो. और आप कह रहे हो ये डिजिट्स वाला फॉर लूप से नहीं हो रहा है, फॉर लूप से नहीं हो रहा कह रहे हो. ठीक है. ये देखो परफेक्ट नंबर का ही एग्जांपल है विथ अनदर अप्रोच. ठीक है. थोड़ा इस सेल को मैं ऊपर कर दे रहा हूँ, परफेक्ट के पास पहुंचाते हैं. सम ऑफ डिजिट्स मल्टीपल्स और ये परफेक्ट. सेकंड अप्रोच और इस वाले को भी ऊपर पहुंचा देते हैं. ठीक. थर्ड अप्रोच जो सही लगे आप उससे करो. फाइन. चलो आप कह रहे हो ये जो सम ऑफ डिजिट्स निकाले हम वाई से हो जा रहा है बट वाई उससे नहीं हो रहा फॉर से. ठीक है. अब हम इसी प्रोग्राम को करेंगे विथ
second approach using for loop inside the function. चलिए सम ऑफ डिजिट्स हटाइए सब लॉजिक, टोटल सम रहने दीजिए इक्वल्स टू जीरो. बताइए क्या करें, अर्जित फॉर लूप से करना है, डिजिट्स वगैरह कैसे निकालना है, इस व्हाइल की जगह में फॉर लगाना है, फॉर आई इन आई नम, नंबर्स पे आइट्रेट कर सकते हो, उठाएगा भी नहीं एरर आएगा, नंबर पे आइट्रेट ही नहीं कर सकते हो एरर आ जाएगा. और कुछ फॉर आई इन एस टी आर ऑफ नम, आई का यूज थोड़ी हम कहीं करेंगे, ठीक है, जितनी बार आई को एलिमेंट्स मिलेंगे यहाँ नंबर से तब तक लूप चलेगा, और जब तक उतने बार लूप चलेगा उतने बार ये आर और नम होता चला जाएगा. क्या आना चाहिए 1 2 3 4 का सम, 10 आना चाहिए, हमने और कुछ नहीं किया, यही किया है. और क्या चाहिए बताओ, 5 भी चाहिए, 10 था, 5 15 होना चाहिए. अरे फॉर लूप कैसे चलता है, देखो जब तक इस आई को डेटा मिलता रहेगा कहाँ से, यहाँ से, तब तक ये लूप चलेगा. हम फॉर लूप के अंदर आई का यूज नहीं कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत है क्या, ठीक है आई नहीं यूज कर रहे, लेकिन आई को जब तक डेटा मिलेगा तब तक फॉर लूप तो घूमता ही रहेगा ना. यहाँ पर बताओ एस टी आर ऑफ नम हमने किया 1 2 3 4 5, ठीक है, नम में क्या गया 1 2 3 4 5, और एस टी आर ऑफ 1 2 3 4 5 क्या बना, स्ट्रिंग बना, तो स्ट्रिंग में आइट्रेट कर सकता हूं मैं, आई में क्या आएगा फर्स्ट आइट्रेशन में 1 के लिए लूप चलेगा, नम में से डिवाइड करेगा 10, रिमाइंडर निकालेगा 5 नंबर से, और ये चलता रहेगा यहाँ पर, ठीक है. फिर नेक्स्ट लूप किसके लिए चलेगा, 2 के लिए, नंबर होता तो नहीं हो पाता, इसलिए हम एस टी आर ऑफ नम कर दिए हैं बस, ताकि हम उस स्ट्रिंग पे आइट्रेट कर सकें. हम इस 1 2 3 का कहीं यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, स्ट्रिंग से अगर हमको करना होता तो हम बिल्कुल कर लेते हैं, हम यहाँ पर बिना स्ट्रिंग में कन्वर्ट किए ये लॉजिक लगा रहे हैं, ठीक है. अगर हम स्ट्रिंग में ही कन्वर्ट करना चाहते हैं ना, देखो इसी फंक्शन को, ये तो सेकेंड अप्रोच था, थर्ड अप्रोच भी देखो, अरे उससे मतलब नहीं, आप खुद ही सोचिए यूज करना फाउंडेशन है क्या, जब लूप आपको बताया था तभी बताया था, आई इन रेंज एक होता है, एक डायरेक्ट आइट्रेशन होता है, आप चाहो तो प्रिंट कराओ चाहो तो कुछ मत कराओ, आई को बस जब तक वैल्यू मिलेगा कहां से आई ट्रिपल से तब तक लूप चलेगा, ठीक है. और यहाँ पर आप अगर स्ट्रिंग यूज करना चाहते हो ना, ये तो लॉजिक, ये लॉजिक तब लगाओगे जब आपको कंडीशन दे दिया जाए कि आप नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं करोगे, तब ये लॉजिक लगाओगे. अगर ऐसा कुछ नहीं कहा है कि स्ट्रिंग में कन्वर्ट मत करो, ये मत करो, वो मत करो, तो आप नॉर्मली करो. और आप यहाँ पर फिर क्या कर सकते हो, फॉर आई इन एस टी आर प्रिंट आई अगर करेंगे तो बताओ 1 2 3 4 5 मिलेगा, है ना, और ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 स्ट्रिंग 3, हमें बस क्या करना है, टोटल अंडरस्कोर सम प्लस इक्वल्स टू इंट ऑफ आई, खत्म. और यहां से बस रिटर्न कर दो टोटल सम, हो गया. ये आप तब करोगे जब आपको कोई बाउंडेशन ना दी जाए कि आप इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो या नंबर में कन्वर्ट करो. अब आई में जो डेटा आ रहे हैं उसको हम यूज कर पा रहे हैं, नो प्रॉब्लम. ठीक है, ये हो गया थर्ड अप्रोच. तो फर्स्ट सेकंड थर्ड काफी अप्रोच देख रहे हो आप. अब जो जो सही लगे उस हिसाब से आप कर लो. ये आप कब यूज करोगे लॉजिक, जब आपको कहा जाए कि आप यूजर के द्वारा दिए गए नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं करोगे. हमने यहाँ स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया जस्ट फॉर आइट्रेशन, हम उसको यूज कहीं नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हो. कितने बार लूप चलाना है वो तो देना ही पड़ेगा ना, या तो फिर आप खुद से वैल्यू दे दो 1 2 3 4 5, देख के कि टोटल 5 एलिमेंट्स हैं वहाँ 5 लिख दो, फॉर आई रेंज 5, खत्म.
आप बताओ, अच्छा आई का यूज कभी नहीं देखा है? जब शुरू में बेसिक फॉर लूप पढ़ाया जाता है, आपको बता देता हूँ ना, फॉर आई इन रेंज फाइव लिख के, मैं यहाँ पर जब प्रिंट हेलो लिखता था तो वहां ध्यान नहीं दिया कहीं कि मैं तो आई कहीं यूज ही नहीं कर रहा हूँ, फिर भी हेलो 5 टाइम्स प्रिंट हुआ। अब ये कैसे हो रहा है? वही लॉजिक यहाँ लगाया है, याद करो। लूप जब बताता हूँ डायरेक्ट प्राइम नंबर करवाता हूँ या बेसिक से स्टार्ट होता है? अब यहाँ बताओ आई कहाँ यूज किया जाते हैं? वो अपने आप लेता रहेगा, इटरेशन करता रहेगा। अब ना आई आई की वजह से आज देख लिया ना कैसे हो रहा है। अब याद भी रखना, यहाँ पर आई को कौन कौन सी वैल्यूज मिल रही हैं? 0, 1, 2, 3, 4। आई को जब तक वैल्यू मिलेगा तब तक ये प्रिंट होता रहेगा, ये चीज ध्यान रखो ना आप। अरे इसको ऐसे समझा करो, फॉर रनर इन, फॉर रनर इन लिस्ट एंड बनाना, और एनर्जी वर्धक चीजें बताओ, और एप्पल। ठीक है ठीक है। हाँ रनर नहीं, हाँ स्टेप इक्वल्स टू लेट्स से 0 स्टेप्स अभी, ठीक है। और यहाँ हम प्रिंट कराएंगे क्या, जैसे इसको स्टेप की वैल्यू हम 1 करते रहे अभी, एंड यहाँ प्रिंट करेंगे स्टेप्स को, और स्टेप्स की वैल्यू हम 10 10 इंक्रीज करेंगे, ठीक है। हर एडिशन में 10, मतलब एक बार बनाना खाते ही ताकत आ गया 10 स्टेप आगे, ठीक है। देन नेक्स्ट एडिशन में मैंगो खा लेगा और ताकत 10 स्टेप फिर से आगे, फिर से नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप में एप्पल खाएगा 10 और ताकत आ जाएगा और 10 स्टेप और आगे। कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, 11 21 होता जा रहा है ना। कहने का मतलब इस रनर को जब तक आप फ्रूट्स वगैरह खिलाते रहोगे तब तक तो ये लूप चलेगा, मतलब लूप दौड़ता रहेगा, ठीक है। फॉर लूप का यही सिंपल सा फंडा है, जब तक आप इस वेरिएबल को खाना खिलाते रहोगे यहाँ से तब तक ये लूप चलेगा। अब देखो खाना जो खिला रहा हूँ उसका मैं कहीं यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं यूज कुछ और कर रहा हूँ, स्टेप स्टेप कर रहा हूँ। खाने का बस इतना काम है आपको जिंदा रखना, मतलब लूप को जिंदा रखना। यहाँ पर ये जो लूप 3 बार चल रहा है, ये 3 बार लूप इसीलिए चल रहा है क्योंकि आप खाना खिलाए हो इसको 3 टाइम, ठीक है। हाँ इसको आप ऐसे बस याद रखो, फॉर लूप इतना सिंपल है, बस जैसे याद रख सको वैसे करो। आप खुद ही सोचो ना, यहाँ पर मैं कहीं बनाना यूज कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ ना, स्टेप प्रिंट करा रहा हूँ उसकी जगह पर। खाना खाने का क्या यूज होता है, आप बस जिंदा रहो। अब जिंदा है तभी तो लैपटॉप चला रहे हैं, ठीक है, बैठ के। तो खाना का बस इतना ही काम है, जिंदगी को चलाए रखना। वैसे यहाँ पर फॉर लूप में ये आइटरेबल ऑब्जेक्ट जो आप दिए हो इसका बस इतना ही काम है, इस फॉर लूप को जिंदा रखना जब तक खाना खिला रहे हो आप इसको। और ये हमने सीधे आइटरेबल, ये जो लिस्ट लिखा है ना, इसी चीज को आप क्या लिख देते हो, ऐसे रेंज ऑफ 5, मतलब अब यहाँ से क्या मिल रहा है, 0 1 2 3 4। अब जब तक यहाँ से चीजें मिलेंगी रनर को तब तक ये लूप चलेगा, सिंपल सा चीज है। तो इस चीज को ध्यान रखो, अलग अलग तरीके से चलता है फॉर लूप। इजी क्या हो सकता है, कोई कोई बोल देता है इनफाइनाइट लूप चलाओ फॉर लूप यूज करके। आप पूछे थे ना, आपको बताया गया था ना क्लास में, देखा था अभी, याद है कुछ, कर सकते हो फिर से कि भूल गए? बताओ कोई कुछ भी पूछ लेते हैं भाई, तरह तरह की चीज, लॉजिक है लॉजिक लगा लो, इनफाइनाइट के लिए क्या करना है? फॉर लूप यूज करके इनफाइनाइट लूप चलाओ, वाइल में तो बहुत आसान है कि नहीं? स्टेप ही मत दो नीचे, इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट कुछ मत करो, बार बार घूमता रहेगा उसी में, इनफाइनाइट लूप चल रहा है वाइल में। फॉर लूप में कैसे करोगे इंद्र, जब बताया गया तो याद होना चाहिए, बताओ। सर n=0 1, उसके बाद फिर इतना रिक्वेस्ट होगा, और कोई भी नंबर 0 से तीसरे चौथे नंबर से डिवाइड नहीं है, और कुछ बताओ। सर, सर अभी ना तो कौन सा टॉपिक
सर कोई एक नंबर लेना है उसके बाद उसको इंक्रीज करते जाए प्लस वन ऐड करते जाए उसमें नंबर ही दियो नंबर पे आइट्रेट नहीं कर पाओगे आप ना आप लिस्ट ले लो जो पहले कह रहे थे वही लॉजिक देखो फॉर लूप यूज करके इनफाइनाइट लूप कैसे चलाओगे हाउ टू रन एन इनफाइनाइट लूप यूजिंग फॉर लूप ठीक आप क्या करो एक ML ले लो और इसमें हम लेट से एक डेटा डाल देते हैं ताकि पहला आइट्रेशन तो हो ठीक ML में क्या है सिर्फ एक डेटा वन फॉर आई इन रेंज रेंज में क्या यूज करोगे रेंज क्यों यूज करो सीधे आप ML पे ही आइट्रेट कर लो ML में कितने वैल्यूज हैं ML में वन एक बार लूप चलेगा है ना प्रिंट आई एक बार लूप चला खत्म इन्फिनिट तो चला ही नहीं क्या करें हम इन्फिनिट चलाने के लिए हाँ आप क्या करो यहाँ ML में अपेंड करते जाओ वन को ठीक और ये लोग प्रिंट भी करते जा रहे हैं हमारी को ठीक और ये कर दिया रन और ये देखो चल रहा है इन्फिनिट लूप वन 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 यूजिंग फॉर लूप और इसको किया टर्मिनेट यहाँ से रुक गया अब बताओ इनफाइनाइट लूप हुआ कि नहीं है समझ में आ रही है आपको भी किया है और कैसे करना चाहते हो करते जाओ और फिर सी पे क्या करोगे लूप चलाओगे अलग अलग लॉजिक के प्रोग्राम करने का हमने लिस्ट पे आइट्रेट कर रहे हैं अगर आप कोई नंबर लेते हैं ना पहली चीज तो नंबर पे आइट्रेट ही नहीं कर पाओगे ना स्ट्रिंग बोलो आप उसको ब्लैंक क्या करना चाहते हो बताओ वाइल नहीं भाई वाइल तो आसान है वाइल से क्यों करोगे फॉर से हमने पूछा है वाइल में क्या करना है इंक्रीमेंट छोड़ दो नीचे जो प्लस वन करते हो नीचे प्लस वन या माइनस छोड़ दो हो गया इनफाइनाइट क्या कह रहे हो कैसे कोई वेरिएबल हमने ले लिया n n इक्वल्स टू वन कर दूं अभी ठीक लूप चलाऊं फॉर i इन रेंज यूज करेंगे या कुछ और रेंज फिर बताने तो थोड़ा सा बता लेंगे तो सही है ना और n यूज करें यहाँ पर ठीक है n और फिर क्या करें i को प्रिंट कराएं ठीक है प्रिंट i और एक अपेंड वाला ऑप्शन था एक इसमें क्या करना है n की वैल्यू इंक्रीज करो ना जितने बार लूप चले n की वैल्यू क्या करो आप इंक्रीज कर दो n प्लस इक्वल्स टू सर म्यूट कर लिया करिए आपको आवाज आता रहता है खुद ही समझ में आता होगा क्या हो रहा है देखो यही करना चाहते थे n की वैल्यू बढ़ाना चाहते थे देखो हमने बढ़ाया तो प्रिंट के बाद लगाऊं अब बात नहीं करो क्या करना है n प्लस वन वही तो कर रहा वही चीज है चाहे मैं वैसे लिखूं चाहे ऐसे एक ही बात चाहे अभी भी देखो ये एन की वैल्यू फिर से अरे रेंज में एक बार सीक्वेंस मिल गया ना उसको सीक्वेंस नहीं चेंज ऑब्जेक्ट यहाँ पर है ना खुद ही रेंज में आपने एक बार वन लिखा तो जीरो और वन पे एक वैल्यू मिला जीरो और जीरो पे ये लूप चला आई की वैल्यू प्रिंट हो गई जीरो एन बिल्कुल बेशक एन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है टू हो रहा है लेकिन अब लूप तो खत्म हो गया ना इसका काम था रेंज ऑफ एन का एक ऑब्जेक्ट दे देना और ऑब्जेक्ट में क्या मिल गया जीरो खत्म अब यहाँ एन की वैल्यू जो इंक्रीज हो रही है वो यहाँ नहीं आ रहा है
किसके ऊपर कहाँ लगाते हैं? फॉर के ऊपर लगाते हैं, n इक्वल्स टू n प्लस वन। अरे उसको हर बार इंक्रीज भी तो कराना है। अपेंड से अच्छा और कुछ नहीं है, या तो फिर आप स्ट्रिंग यूज करो। अरे आप जो कह रहे हो उसके पीछे तर्क होना चाहिए। बताओ लगा दिया यहाँ पर, अब बताओ हो जाएगा? वही बात है चाहे आगे लगाओ चाहे पीछे, यहाँ पर दिक्कत ये हो रहा है ना, आप ऊपर वाले प्रोग्राम में ML लगा के बैठे हो, ठीक है? आप जिस ऑब्जेक्ट पे आइट्रेट कर रहे हो उसी ऑब्जेक्ट में डेटा ऐड हो रहा है। नेक्स्ट टाइम आप आइट्रेशन के लिए ऊपर जाओगे, क्योंकि आइट्रेशन कैसे होता है, लास्ट वैल्यू जब आप चेक कर लेते हो ना, जैसे यहाँ पर रनर वाले एग्जाम्पल में, लास्ट आइट्रेशन में रनर में क्या आ रहा है, एप्पल। लूप खत्म होने यहाँ पर लास्ट स्टेप के बाद ना, ये फिर से एक बार लिस्ट पे जाता है चेक करने कि क्या अभी और कुछ है इसके पास, तो इसको देखेगा कुछ नहीं है, तब लूप रुकता है। वैसे ही यहाँ पर भी चल रहा है, अपेंड ML में आपने 1 दिया ना, 1 के लिए ये लूप चला, I प्रिंट कर दिया, और फिर ऊपर जा रहे हैं ML में ही चेक करने कि ML में अभी कुछ है कि नहीं। और यहाँ देखो हमने अपेंड कर दिया था एक 1, यानी 1 के लिए चला था और उसमें हमने चुपचाप एक और 1 ऐड कर दिया, तो जब लूप ऊपर जाएगा ना तो एक और 1 मिलेगा उसको, फिर से लूप चलेगा, फिर से एक 1 ऐड कर दूंगा चुपचाप, फिर ऊपर जाएगा तो उसको एक और डेटा मिलेगा। दो आइट्रेशन कंटिन्यू होता चला जा रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, जब आप नंबर्स के थ्रू कर रहे हो ऐसे, यहाँ पर रेंज आप यूज किए, ठीक है? रेंज ऑफ आपने n की वैल्यू क्या स्टोर किया, 1। रेंज ऑफ n यहाँ पर एक्चुअली में सीक्वेंस आपको मिला एक, और उस सीक्वेंस में क्या है, सॉरी 0, क्योंकि रेंज ऑफ 1 क्या होगा 0, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0। अब बताओ प्रिंट हो गया i की वैल्यू दैट इज 0, और n की वैल्यू इंक्रीज कर दिया। बताओ यहाँ पर तो n कहीं है ही नहीं, तो इसमें कुछ ऐड नहीं हो रहा है, n की वैल्यू इंक्रीज हुई है अलग से, रेंज में कुछ नहीं हुआ है, रेंज ने एक बार आपको लिस्ट दे दिया खत्म, n की वैल्यू बस इंक्रीज हो गई है, आप चाहो तो n देख लो यहाँ पर 2। अब उस 2 को आप रेंज पे नहीं पहुंचा पा रहे हो, क्योंकि रेंज एक बार चला और आपको एक सीक्वेंस दे दिया खत्म, अब उस सीक्वेंस में कहीं भी n नहीं है, ठीक है? इस तरीके के ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आज हमने सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन किया है, कुछ नया नहीं किया है फंक्शन में। और क्या है, यील्ड अभी नहीं बताएंगे, रिटर्न तो क्लियर हो पहले, केवीसी अभी भी बताते हैं, गजब हाल है। इसको आप ऐसे ही करो डिक्शनरी क्रिएट करके, बस एग्जांपल चलो हम थोड़ा सा जल्दी से दे रहे हैं, कैसे क्या करना। लो भाई केबीसी गेम आप इधर देखो नितेश, अभी ये भी छूट जाएगा, आप इधर देखो, जो डाउट होगा क्लास के बाद पूछना। केबीसी आप डिक्शनरी बना लो केबीसी नाम का, ठीक है? इन्हें किया है क्या हम लोगों ने? नहीं किया है। क्वेश्चन क्या होगा, लेट से आप यहाँ पर कोई की बना लो, की है Q1, या लेट से 1 कर दें, 1। पहला क्वेश्चन, 1 पर जो वैल्यू होगा वो हम लिस्ट में डाल देते हैं, और लिस्ट में पहला डेटा क्या होगा, स्ट्रिंग, और इस स्ट्रिंग में हम कह रहे हैं हु इज द कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम। क्रिकेट ही जरूरी है क्या? हु इज द कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम, ठीक, कॉमा, ये लिस्ट का एक एलिमेंट हो गया, ठीक है, जो कि क्वेश्चन है अपने आप में। अब इसका हम आंसर भी यहां पर देंगे, आंसर से पहले ना आप वो बना लो इसके ऑप्शंस, ए बी सी डी ऑप्शंस, ठीक है? अब यहां पर हम ऑप्शन लिखने जा रहे हैं, ए ऑप्शन, ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं ए ऑप्शन ऐसे, और इस ए में आंसर क्या होगा, लेट से MS धोनी, ठीक, ये पहला ऑप्शन। और क्या करना है, बैक स्लैश टी का क्या मतलब होता है, एक टैब का स्पेस, ठीक है, ए के बाद थोड़ा टैब स्पेस लो, और हम ऑप्शन बी लिखेंगे यहाँ पर। ऑप्शन बी में हम क्या लिखेंगे, विराट कोहली भाई, हॉकी टीम का कैप्टन बता दो कोई जल्दी। स्लैश एन भी ले सकते थे ना, तो लाइन ही चेंज हो जाता ना, थोड़ा देखिए ना, आप ले सकते हैं बिल्कुल,
ऐसे चीजें मत कहिए कि ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। हम करना क्या चाहते हैं, ए और बी को थोड़ा स्पेस से सेपरेट करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि चार लाइन में आए तो बिल्कुल कर लीजिए, आपकी मर्जी। आप किस तरीके से डिजाइन करते हैं अपने चीजों को वो आपके ऊपर है। हम क्या कर रहे हैं, ए और बी को अलग अलग थोड़ा करेंगे, फिर बी सी और डी नीचे उसके आ जाएगा, ठीक है? ऐसे समझ रहे हो? तो अब हम यहाँ बैक स्लैश इसीलिए दे रहे हैं, ऑप्शन ए और बी एक लाइन में आएगा थोड़ा स्पेस लेके, उसके बाद हम बैक स्लैश लगा रहे हैं तो लाइन चेंज होगा और यहाँ हम ऑप्शन सी लिख रहे हैं, ठीक? ऑप्शन सी क्या होगा, कौन है कैप्टन? मनप्रीत सिंह, ये है ऑप्शन सी, ठीक? इसके बाद बैक स्लैश टी टैब, और इसके बाद डी, ऑप्शन डी क्या होगा, हरभजन सिंह। चलो ठीक है, ठीक है, ये लो हमने लिख दिया हरभजन सिंह, ठीक है? तो हमने ए बी सी डी इतने ऑप्शंस। देखो अगर आप ध्यान दो, केबीसी अभी इस डिक्शनरी में सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन है, और ये वन ना की है, यहाँ पर की है वन, और इसके साथ जो वैल्यू एसोसिएटेड वो एक लिस्ट में है पूरा, और इस लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं, दो, फाइव। लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं, दो, एक लिस्ट और एक लिस्ट, एक लिस्ट में सिर्फ सॉरी, एक स्ट्रिंग दूसरा स्ट्रिंग, पहले स्ट्रिंग में क्वेश्चन है, दूसरे स्ट्रिंग में ऑप्शंस है, एक और स्ट्रिंग लिखना है, इसमें कॉमा लगा के ना आंसर लिखो, सही आंसर। और सही आंसर क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन सी, ठीक है? यहाँ पर स्ट्रिंग के फॉर्म में सी लिख दो यहाँ पर। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन आंसर तैयार। अब यहाँ पर इस लिस्ट के बाद कॉमा लगा के इंटर कर दो, और अब दूसरा क्वेश्चन तैयार करो बिल्कुल सेम फॉर्मेट में, दो और दो के बाद यहाँ कोई और क्वेश्चन, ठीक है? अरे यार सही से करो। इस पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, ठीक है? ये क्वेश्चन हो गया, और उसके बाद क्या करना है आपको, कॉमा लगा के ऑप्शंस दो उसको, ऑप्शंस ए, अरे ऑप्शन ए, ए में है यस, बैक स्लैश टी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी नो, बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ देम कुछ भी लिखो, मतलब अभी के लिए। अरे सी पे देखो वो नहीं किया आपने, बैक स्लैश एन लाइन चेंज करना है, उसके बाद बैक स्लैश टी, उसके बाद ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज नन, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, ठीक है? ये आपका ऑप्शंस तैयार हो गया, ऑप्शंस के बाद कॉमा, सही आंसर क्या होगा यहाँ पर, ए। पता है सही आंसर भी क्यों लिखते जा रहे हैं, चेक भी तो करते जाना है आपको, है ना? कहिए मैम, थ्री, थ्री के लिए कोई अलग एक और क्वेश्चन दो, तीन हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि रैंडम हमें सेलेक्ट भी करना है। थ्री के लिए क्या करना है, थर्ड क्वेश्चन कोई और, कैपिटल ऑफ इंडिया। चलो कैपिटल ऑफ इंडिया किससे खिलवा रहे हो, क्या? चलो ठीक है, केबीसी है ना, शुरू में कुछ इजी इजी क्वेश्चन होने से ताकि 10-20 हजार तो जीत लो। कैपिटल ऑफ इंडिया, चलो ये हो गया लिस्ट में पहला, पहला वैल्यू, दूसरा होगा ऑप्शंस, ऑप्शंस ए क्या होगा, लखनऊ, ऑप्शन इतना आज के मतलब अभी यहाँ पर कोलकाता, लखनऊ बैक स्लैश एन, एबीसी, सी यहाँ पर होगा लेट्स से दिल्ली, और दिल्ली नहीं न्यू दिल्ली, ठीक है? दिल्ली इज रॉन्ग, एबीसी बैक स्लैश टी, ऊपर बैक स्लैश दे दिया, ओके ओके ठीक है, बैक स्लैश एन, बैक स्लैश टी, और यहाँ पर हम दे दे रहे हैं सिर्फ दिल्ली, गलत भी तो करवाना है लोगों से आंसर, ठीक है? एक दिल्ली एक न्यू दिल्ली, और सही आंसर क्या हो गया यहाँ पर, सी, ठीक है? ये हो गया हमारा एक केबीसी में, हमने तीन क्वेश्चंस दे दिए, ठीक? आप देखो आपको चेक करना है अगर, तो बस केबीसी दो, और केबीसी में वन दे दो, देखो वन के साथ क्या है, ये है वो इज द कैप्टन दिस दिस दिस, अगर आप इसको प्रिंट करा लोगे ना थोड़ा सा प्रॉपरली प्रिंट भी हो जाएगा,
अरे ऐसे थोड़ी करना है हमें, ठीक है। हाँ अब पहले आप इसमें से ना रैंडम क्वेश्चंस को सेलेक्ट करो, ठीक है, या तो आप लूप चला लो फॉर आई इन, फॉर आई इन लेंथ ऑफ रेंज वन कॉमा लेंथ ऑफ ए बी सी प्लस वन, क्योंकि 1 2 3 तीन चाहिए। आई में क्या क्या आ रहा है कोई बता सकता है? प्रिंट आई 0 1 1 2 3 1 2 3 0 1 क्यों? यहाँ वन इसीलिए तो लिखा मैंने, रेंज में वन, और इस नंबर को एज अ की यूज कर सकता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पर बस आपको क्या करना है, प्रिंट, क्या प्रिंट करना है, के बी सी डिक्शनरी में आई, ठीक है, के बी सी ऑफ आई में क्या आ रहे वन। अब बताओ क्वेश्चंस आएंगे, देखो क्वेश्चन प्रिंट आएगा। सिर्फ क्वेश्चंस क्वेश्चंस आ रहे हैं, और इस आई में ये जो लिस्ट आ रहा है ना, इस लिस्ट में क्वेश्चंस कहाँ पता है, इंडेक्स जीरो पर। सिर्फ क्वेश्चंस मिल गए आपको, क्वेश्चंस के ऑप्शंस भी आपको देने हैं ना, तो आप क्या करो, इतना लेने के बाद ना यूजर से आंसर लो, और आंसर किस में लोगे, इंट ऑफ इनपुट आंसर आएगा ना, एक इनपुट आपसे आपको ये देगा, उसके बाद प्रिंट के बी सी, के बी सी ऑफ आई, आई ऑफ, ठीक है, क्वेश्चन, क्वेश्चन का ऑप्शन, ऑप्शन के बाद आपसे आंसर लेगा, ठीक है। जरा देखो क्या आएगा, ठीक है। अब यहाँ जो आंसर आप दोगे वो कहाँ स्टोर होगा, आंसर वेरिएबल में। अब आपको बस यहाँ इसके बाद ना एक वही सब करना है, इफ आंसर इक्वल्स टू के बी सी ऑफ आई टू, ठीक है, बस अगर है तो पॉइंट को ऐड करते जाओ। अब आप गेम को कितना अच्छा बनाते हो, कितना रुक रुक के क्वेश्चन पूछते हो, ये सब चीज आपको देखना है, ठीक है। एक टाइम डॉट स्लीप होता है, ठीक है, आप इम्पोर्ट टाइम कर लेना, इम्पोर्ट टाइम, और टाइम डॉट स्लीप भी दे देना, टाइम डॉट स्लीप, 1 सेकंड का स्लीप होगा, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने से पहले 1 सेकंड का स्लीप होगा। हाँ तुरंत, ऐसा नहीं कि तुरंत दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा। हेलो अभी हम इसे स्टॉप करेंगे। हाँ नहीं नहीं ये फंक्शन ऑलरेडी शेयर हो रहा है आप, ठीक है, इसको और थोड़ा मॉडिफाई करना है इस गेम को। अरे ऐसे कैसे नहीं हो सकता, आप बताओ, आप बताओ इंद्र और अरिजीत, आप यही है, सब गया था कल आप लोग को। और आपका बताओ, गया है ना आपको ईमेल, देखा है, बार बार नहीं जाता है, जो पहले गया है आपको फंक्शन का नोट, उसी में नीचे अपडेट हो रहा है हर चीज। और नितेश सबको गया भाई, अभी देखो दिखाता हूँ, अभी नो, ठीक है, फंक्शंस, चलो अभी वीवर हो तो आप सबको गया होगा, तो देख नितेश पहले ही कल गया है, देखो मैं दिखाता हूँ फिर से, ये देखो अभिनव, आदित्य, अजीत, अरुण, जितेंद्र, सैफ सर, नितेश, राधे, सबको जा रहे हैं, ठीक है। आप उसी नोट पे, इसीलिए बोलता हूँ ना, जब मेल जाए तो उसको स्टार लगा के लगा दिया करो, इम्पोर्टेंट, ठीक है। चलिए अभी स्टॉप करते हैं यहीं पर।